सफर के लिए लीगी रहनुमा परेशान दिखाई देते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसन इकबाल कहते हैं, मियां नवाज शरीफ को दिल का आरजा लाहक है, लेकिन उनके जाती मालिज को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। मजीद ये भी कहा कि हमारी हुब्बुल वतनी को कमजोरी ना समझा जाए, नवाज शरीफ की सेहत को कोई भी नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम, वजीर आला और वजीर दाखिला होंगे। साबिक वफाकी वजीर दाखिला अहसन इकबाल की कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मियां नवाज शरीफ की सेहत को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वजीर आजम, वजीर आला और वजीर दाखिला होंगे। जनाब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से कोई नुकसान हुआ तो उसकी बराह रास्त जिम्मेदार वजीर आजम होंगे, वजीर आला पंजाब होंगे, सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट जेल होंगे। अहसन इकबाल ने कहा कि मुशर्रफ आमरियत का मुकाबला किया इमरान की सिलेक्टेड हुकूमत बाएं हाथ का काम है। तिब्बी सहूलियात ना देना जेल कवानीन और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। उनके जाती मुआलिज उन्हें उनके बाएं बाजू में दर्द की वजह से मुआयना करने के लिए इजाजत तलब करते रहे, सारा दिन उन्हें नवाज शरीफ साहब के मुआयने की इजाजत नहीं दी गई। ये बदतरीन इंतकामी कार्रवाई है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं, इमरान खान की ईमानदारी का मेकअप उतर चुका, 5 से 7 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके, हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। 13 अरब रुपए के इश्तहार लगा के इस हुकूमत ने सिर्फ 9 अरब रुपए इकट्ठे किया, उन 13 अरब की वसूली किससे की जाएगी जो पल्ले से 13 अरब लगा के 9 अरब इकट्ठा किया गया डैम के नाम पर। अहसन इकबाल का मजीद कहना था कि कुछ कुव्वतें नहीं चाहती थीं कि सी पैक आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट अलीमा खान की जायदादों से मुतल्लिक जीआईटी बनाए। कैमरामैन शान बशीर के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़।